आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड स्किल्स हैं तो क्या आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। अगर मैथ की किसी भी ब्रांच में या किसी भी टॉपिक में आप गुड हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी मैथ के होमवर्क जो होते हैं उनका सोल्यूशन आप बना के उनको सारा स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं, और इससे अच्छी खासी आपकी इनकम हो जाती है। अगर हम मैथ की ब्रांचेस या टॉपिक पे बात करें तो नंबर थ्योरी है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक है, कम्बिनेशंस है, टोपोलॉजी है, ये भी सब्जेक्ट है मैथ से रिलेटेड। मैथमेटिकल एनालिसिस या आप इंजीनियरिंग एनालिसिस कह सकते हैं। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है तो उनकी भी अच्छी कमांड होती है मैथ की स्किल्स में, जैसे कि वो यूनिवर्सिटीज में कैलकुलस 1 2 पढ़ते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो उनकी भी अच्छी कमांड होती है। वो भी अपनी मैथ की स्किल्स को ऑनलाइन यूज करके वहां से पैसे कमा सकते हैं। सेट थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये मैथ की किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने बीएससी या मास्टर किया हुआ है मैथ के अंदर, तो आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। आप बिल्कुल फाइवर के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाकर, गिग बनाकर वहां से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट में सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ फाइवर पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फाइवर के ऊपर लोग मैथ से रिलेटेड अपनी स्किल्स को ऑनलाइन यूज करके कमा रहे हैं। तो फाइवर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये फाइवर का होम पेज है, यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता हूँ मैथ और देखते हैं। तो ये पहला पेज ओपन हो गया, यहाँ पे लोगों की गिग आपके सामने है, आप इनकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ से आप एक गेस ले सकते हैं कि आपने प्रोफाइल किस तरह सेट करनी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में आपने देनी है। तो जैसे ये साहब हैं तो इनके तकरीबन 13 ऑर्डर है, रेटिंग इनकी 5 है, इनके 7 ऑर्डर है, इनके 5 ऑर्डर है, इनके 9 ऑर्डर है, तो 9 ऑर्डर, 70 ऑर्डर, इनकी प्रोफाइल को हम देख लेते हैं, और ये 184 ऑर्डर है, इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इनको देख लेते हैं। नीचे भी डिफरेंट लोगों ने प्रोफाइल बनाई हुई है। अगर आपको फाइवर के ऊपर काम करने का नहीं पता तो बेसिक इसमें स्टेप यही है कि आप अपने अपनी इनिशियल प्रोफाइल बनानी होती है, रजिस्टर होना होता है, और उसके बाद वहां पे आप अपनी गिग बनाते हैं। गिग एक एडवर्टाइजमेंट की तरह होती है जिसके अंदर आप सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने स्किल से रिलेटेड, अपनी चार्जेस के रिलेटेड देते हैं, तो इसको हम एक गिग कहते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है अगर आपके ऊपर स्किल्स हैं। जैसे मैथ की बात कर लें तो मैथ के सारे टॉपिक्स आपको पता है, आपको पता है कि इन टॉपिक्स में मैं स्ट्रांग हूँ, तो आपने सिंपली एक प्रोफाइल बनानी होती है। या आप ये करें कि फाइवर के ऊपर सर्च करके अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करके, जिस तरह मैंने मैथ लिखा है तो मैथ से रिलेटेड सब लोगों की प्रोफाइल आ गई है, तो आप सिंपली उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाएं और देखें कि इन लोगों ने कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो क्लाइंट इनके पास आ रहे हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, कॉपी पेस्ट करने से आपको नुकसान होगा, क्लाइंट को भी पता चल जाएगा और फाइवर को भी पता चल जाएगा, वो आपकी गिग अप्रूव नहीं करेंगे। तो हम इनकी प्रोफाइल देखते हैं, इनकी अच्छे ऑर्डर है, 184 ऑर्डर इनके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट दिस गिग, हाई किड्स, नो मैथ एंड साइंस एट योर फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे इन्होंने सारी अपना इंट्रोडक्शन दी हुई है, पैशनेट मैथ एंड साइंस ट्यूटर, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 1 to 8 विद मोर देन 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, जो आपका इंट्रो होता है वहां पे लिख दें, स्पेसिफिकेशन, क्लासेस विल बी ऑन स्काइप, जूम और गूगल मीट्स एज यू प्रेफर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है अपनी स्किल से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें तो ये पेज ओपन हो जाता है, इनकी प्रोफाइल देख लें, इन्होंने भी इसी तरह यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आई हैव बीन यूजिंग इंग्लिश थ्रू आउट माई होल लाइफ, बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, आई कैन स्पीक इन 3 years एंड US, UK एंड सिंग्लिश, यस आई कैन स्विच टू अप। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट इनके पास आ सकता है, इनकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग के दे सकते हैं, बेसिक है, आपको 30 मिनट्स ऑफ ट्यूटरिंग, तो आप अपना रेट कम दे सकते हैं। स्टार्ट में ये होता है कि अपने अपनी गीक को स्ट्रांग करना होता है, वो गीक स्ट्रांग किस तरह होती है, नंबर 1 आपने एक अच्छी गीक बनानी है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, और लोग आपकी पढ़ के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, इस तरह की राइटअप आपने बनाना है।
नंबर टू, आप प्राइस प्राइस के ऊपर आप जाते हैं तो आप स्टार्ट में ये देख लें कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं, आप उसके मुताबिक अपनी प्राइसेस कम रख दें। आप 1 घंटे की प्राइस भी रख सकते हैं, मंथली आप रख सकते हैं कि जी मैं इतने लेक्चर डिलीवर करूंगा, या जो भी आपका मंथली काम होगा वो मैं सारा आपको करके दूंगा, इतने पैसे आपने मुझे देने हैं, इतने घंटे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ स्काइप के ऊपर या जूम के ऊपर, जो भी आप चैनल सेलेक्ट करेंगे कि जिसके थ्रू आपने लेक्चर देना है, या कोई असाइनमेंट वगैरह है तो उसका सोल्यूशन बना के उनको भेजना है, और किस तरह आप उनको टीच करोगे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सोल्यूशन कैसे किया है मैथ की स्किल को यूज करके। तो बस स्टार्ट में आपने ये होना होता है कि आपके पास क्लाइंट थोड़ा सा जल्दी नहीं आता, आपने इंतजार करना होता है। जैसे आप देख लें कि एक क्लाइंट है, उसको मैथ से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, वो प्रोफाइल ओपन करता है, उसके पास यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, और यहाँ पे इस बंदे की प्रोफाइल है जिसके 184 ऑर्डर्स हैं और इसकी रेटिंग 5 है, तो वो किसको चूज करेगा, वो इसको चूज करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक स्केल आ जाएगा कि किस बंदे को मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने उस बंदे को सिलेक्ट करना है कि जिसकी रेटिंग अच्छी हो। आप खुद अपनी आपको क्लाइंट की जगह रख के सोचें कि आप क्या करेंगे। तो स्टार्ट में सिर्फ आपको ये फोकस करना पड़ा है कि आपने अपनी एक तो प्रोफाइल अच्छी बनानी है, गिग आपने अपनी अच्छी बनानी है, अट्रैक्टिव बनानी है, उसके अंदर सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दें, आपके टॉपिक के ऊपर स्ट्रांग है। नंबर टू, जब आप अपनी गिग अच्छी बना रहे हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है कि कोई क्लाइंट आए आपके पास, आप उसका काम करें, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और वो आपको अच्छी रेटिंग दे। जैसे ही एक दो ऑर्डर आपके पास आ जाएंगे तो फिर रेटिंग यहाँ पे 5 होगी, तो क्लाइंट 184 ऑर्डर को इग्नोर भी कर सकता है, वो कहेगा ठीक है इनकी इनकी रेटिंग भी 5 है, बेशक इनके ऑर्डर कम है, तो मैं इन इनसे पूछ लेता हूँ। फिर आ जाती है प्राइस वार। प्राइस वार में ये होता है कि अगर आपकी प्राइस कम है, आप सर्विसेज भी अच्छी दे रहे हैं और प्राइस भी आपकी कम है, तो क्लाइंट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। जब एक दफा एक क्लाइंट आपके पास आ जाएगा तो ये भी होता है कि क्लाइंट को जब भी नेक्स्ट आप जरूरत पड़ेगी मैथ से रिलेटेड, ये कोई भी आपकी सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, तो वो आपसे ही कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे ही वो कहेगा कि जी मैं ये मेरी मैथ प्रॉब्लम है तो मुझे इसका सोल्यूशन दे दो, या ये मेरा टॉपिक है इसका कंसेप्चुअल लेक्चर मुझे आप जो है ना प्रोवाइड कर दें, प्रॉब्लम भी आपको दे देगा कि ये भी स्टेप बाय स्टेप मुझे आप समझा दें। तो शुरू में आपने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अच्छी गिग बनानी है, कंसंट्रेट करना है, ऑनलाइन रहना है, क्लाइंट अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप अवेलेबल हो, उसको रिप्लाई करें टाइम पे, उसको रिप्लाई करें, क्योंकि एक चीज यहाँ पे फाइवर के ऊपर ये भी होती है कि क्लाइंट अगर आपके साथ कांटेक्ट करता है तो आपका रिस्पांस टाइम क्या है, एवरेज रिस्पांस टाइम इज 1 आवर, मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई बंदा इनसे रब्ता करता है तो 1 घंटे के अंदर उनको जवाब दे देते हैं। तो क्लाइंट इन चीज के ऊपर भी फोकस करता है कि मैं एक्सपर्ट को मैसेज भेज रहा हूँ तो वो मुझे रिप्लाई का कब करेगा, क्योंकि उनको जरूरत होती है, जल्दी होती है, उन्हें अपना काम करवाना होता है, वो इंतजार में नहीं बैठते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोफाइल्स यहाँ पे ओपन हो गई है मैथ से रिलेटेड। तो एक क्लाइंट है, उसने आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने उसको जवाब नहीं दिया, तो उसने मूव कर जाना है, नेक्स्ट एक्सपर्ट की तरफ चले जाना है। तो शुरू में जब आप नई प्रोफाइल बना रहे हैं, आपके पास काम भी नहीं है, तो आपने ये फोकस करना है कि एक क्लाइंट मेरे पास आए तो मैं उसको जल्दी रिस्पॉन्स करूं ताकि मेरी और उसकी डील हो जाए, डील जब हो जाएगी वो आपसे काम करवा लेगा तो वो नेक्स्ट ये करेगा, आप उसको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे, वो नेक्स्ट आपके पास ही आएगा कि ये बंदा है, इसने मेरा काम करके दिया है, ये ऑनलाइन भी रहा है, इसने अपनी जो जो कमिटमेंट की थी इसने सारी डिलीवर की है, लिहाजा मैं फिर उस बंदे के पास जाता हूँ। तो ये जब आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं तो ये इन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है, नंबर 1 गिग अच्छी बनानी है, नंबर 2 कंसंट्रेट करना है, नंबर 3 ऑनलाइन रहना है, क्लाइंट को जल्द से जल्द रिप्लाई देना है ताकि वो किसी और के पास ना जाए। तो समटाइम ये भी होता है कि इस बंदे को क्लाइंट ने रिप्लाई मैसेज किया कि ये मेरा काम है मुझे चाहिए, ये बंदा अवेलेबल नहीं है, तो उसने इंतजार नहीं करना, वो आपके पास आ जाएगा, तो ये भी आपके चांसेस बढ़ जाती है अगर आप अवेलेबल है। तो तीसरी चीज ये होती है कि आप कौन सी मार्केट को टच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की मार्केट की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास आप सुबह 8 बजे से ऑनलाइन हो जाए, इंतजार करें, कोई ना कोई क्लाइंट आपको इस टाइम फ्रेम में, दिन वाले टाइम फ्रेम में या रात 10 बजे तक आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, 10 बजे के बाद मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट
विल स्लीप। सो ये है कि पाकिस्तान की ये बात कर रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से आप स्टार्ट करें, 10 बजे तक अवेलेबल रहे, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट इतने ज्यादा आपको क्लाइंट मिलेगी नहीं। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप यूएसए की मार्केट को टच कर रहे हैं तो वहां का टाइम डिफरेंस देख लें, 12 घंटे टाइम डिफरेंस है। तो क्लाइंट जब आपसे रब्ता करेगा तो वो आपसे कब रब्ता करेगा, जब उसके सुबह 7-8 बजेंगे। वो एक स्टूडेंट है तो वो 7-8-10 बजे के बाद ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और रात 10 बजे, उनके रात 10 बजे का मतलब ये है कि हमारे सुबह पाकिस्तान के 10 बजे, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन यूएसए। तो ये चीज होगी। अगर आप अरब कंट्रीज की मार्केट को टच करते हैं, उनके स्टूडेंट्स के आप मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपने उनका टाइम फ्रेम देखना है कि उनका टाइम फ्रेम मैं किस तरह अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये तकरीबन मैंने सारी चीजें बता दी हैं। और भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें ये है कि आप लोगों की प्रोफाइल देखें और यूट्यूब पे वीडियोस देखें लोगों की, कि वो किस तरह बनाते हैं, अच्छी की किस तरह बनाई जा सकती है। किसी अच्छे बंदे की आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको गो थ्रू करें, उसको देखें। और अगर आप ना भी देखें तो ये बेसिक आइडिया यही है कि आप लोगों की 10-15 बंदों की प्रोफाइल को रीड कर लें। जब 10-15 बंदों की गिग को आप रीड करेंगे तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह अपनी गिग को डिवेलप करूँ। तो ये बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव।